गाजीपुर से मोहम्मद इसरार पत्रकार उप संपादक की खास रिपोर्ट। ताइक्वांडो में राष्ट्रीय पदक विजेता खुशी मोदनवाल का गौतम स्पोर्ट्स एकेडमी में फूल माला से हुआ भव्य स्वागत। महाराष्ट्र के नासिक में 13 से 15 अक्टूबर तक आयोजित सीनियर राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतकर प्रदेश व जिले का नाम रोशन करने वाली सैदपुर नगर निवासी राजेश गुप्ता की पुत्री खुशी मोदनवाल का जनपद आगमन पर भव्य स्वागत हुआ। जिले के खिलाड़ियों व ग्रामीणों द्वारा ओलिहार रेलवे जंक्शन से गौतम स्पोर्ट्स अकेडमी गैबीपुर तक खुशी को सम्मानित किया। इस दौरान लोगों ने खुशी को फूल माला से लाद दिया और मिठाइयां बांटी। खुशी के कोच व गौतम स्पोर्ट्स एकेडमी गैबीपुर के निदेशक अमित कुमार सिंह ने बताया कि खुशी ने नासिक में 49 किग्रा भार वर्ग में उत्तर प्रदेश का नेतृत्व किया, जहां उनका तमिलनाडु मेजबान महाराष्ट्र व हरियाणा के खिलाड़ियों से सामना हुआ। शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए खुशी को कांस्य पदक जीतने में सफलता हासिल हुई। श्री सिंह ने बताया कि इसके पूर्व खुशी ने कानपुर में आयोजित प्रदेश स्तरीय सीनियर ताइक्वांडो चैंपियनशिप में भी स्वर्ण पदक जीता था। खुशी वर्ष 2017 में कर्नाटक में आयोजित सब जूनियर राष्ट्रीय प्रतियोगिता 2019 कैडेट राष्ट्रीय प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक विजेता रह चुकी है। वहीं जूनियर में प्रदेशीय विद्यालयी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीत चुकी है। अब सीनियर राष्ट्रीय प्रतियोगिता की शुरुआत कांस्य से आरंभ कर अपनी आगामी मंशा का बता दिया है। अवगत हो कि उप प्रतियोगिता में एकेडमी के ही हर्ष सिंह ने कांस्य व ऋषि राय ने स्वर्ण पदक जीता है, जिनके गृह जनपद वापसी पर इन दोनों को भी सम्मानित किया जाएगा। स्वागत करने वालों में विनय कुमार, विशाल कुमार, गोविंदा यादव, किशन सिंह, शुभम यादव, अलका मौर्य, सम्राट निषाद इत्यादि लोग प्रमुख थे। कानपुर में सीनियर स्टेट चैंपियनशिप हुई थी, जिसमें कि मेरा गोल्ड मेडल था और मैं यूपी टीम के लिए सेलेक्ट हुई। नासिक में 15-17 टूर्नामेंट था, जिसमें कि मैंने हरियाणा, राजस्थान और चंडीगढ़ से फाइट हुई और हरियाणा से मेरी सेमीफाइनल फाइट हुई, जिसमें कि कंपटीशन था बट मैंने ब्रॉन्ज मेडल लाया। अगली बार कोशिश करूंगी कि गोल्ड लाऊं, मैं ऐसा ट्रेनिंग करूंगी। या ऑफ कोर्स मुझे पूरा विश्वास था, क्योंकि खुशी मोदनवाल का ये लास्ट ईयर जूनियर है, लेकिन फिर भी मुझे पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए मैं कॉन्फिडेंट था कि खुशी लास्ट ईयर जूनियर होने के बावजूद भी सीनियर नेशनल में अच्छा परफॉर्मेंस करेंगी। इसलिए मैंने स्टेट ताइक्वांडो में बात की और उत्तर प्रदेश ताइक्वांडो के महासचिव रजत आदित्य दीक्षित सर ने रिकमेंड एक्सेप्ट किया और इनको उत्तर प्रदेश के चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने का मौका दिया। कानपुर में सीनियर स्टेट चैंपियनशिप हुई थी, जिसमें खुशी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया और गोल्ड मेडल जीता। देन नासिक के सीनियर नेशनल चैंपियनशिप में भी ब्रॉन्ज मेडल जीत करके अपने आप को साबित की। इससे यह सिद्ध होता है कि आगामी जो सीनियर नेशनल होगा उसमें खुशी बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगी और गौतम स्पोर्ट्स एकेडमी का नाम रोशन करेंगी। ऑलरेडी जिला और प्रदेश खुशी को खुशी की उपलब्धियों से गौरवान्वित रहा है और हम आशा करते हैं कि खुशी आगे भी जनपद के लिए इसी प्रकार पदक जीतते हुए हम सबका और पूरे जिले वासियों का सम्मान बढ़ाएंगी। थैंक यू सो मच। गौतम स्पोर्ट्स एकेडमी गाजीपुर में मैं बचपन से ट्रेनिंग कर रही हूँ, जिसमें कि सब जूनियर, कैडेट, जूनियर में अच्छा परफॉर्मेंस करा। मैंने गोल्ड लाया, ये फर्स्ट सीनियर नेशनल था जिसमें मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया और मैं बहुत कॉन्फिडेंट में हूँ कि मैं अगली बार गोल्ड लाने की कोशिश करूँगी और मैं अच्छा ट्रेनिंग करूँगी। थैंक यू। मैं जूनियर, सब जूनियर, कैडेट में अच्छा मेडल रहा है मेरा हमेशा और ये पहला नेशनल है, सीनियर नेशनल, जिसमें मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया है और मैं चाहूँगी कि मैं और अच्छा करूँ और मैं नेक्स्ट बार गोल्ड लाऊँगी। Thank you.